हे गाइज, आईफोन यूजर्स के लिए वेरी सैड न्यूज आई है। आईफोन यूजर्स के लिए सैड न्यूज ये है कि आईफोन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि सेकेंड वित्तीय वर्ष भी लगा है, इस ईयर का जो दूसरा वित्तीय महीना है, इसकी वजह से भी जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा ड्यूटी को अप्लाई कर दिया गया है कि जो स्मॉलेस्ट इंडस्ट्री हैं या फिर डोमेस्टिक वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बूस्टिंग की जा सके, उनकी ग्रोथिंग की जा सके। सो इसलिए ऐसा किया गया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक कर दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आईफोन है, आईफोन के यूजर्स इंडिया में बहुत कम है। एक्चुअली वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जिसकी वजह से उसके जो परचेजिंग है कम होती है, तो उसका कोई रिकॉर्ड सेल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आज बम्पर आईफोन सेल हो गया। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने ऐसा किया है कि उसके जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है। तो उसके तहत अब जो आईफोन के यूजर्स हैं, जो आईफोन के प्रेमी हैं, उनको थोड़ा सा अपना जेब जो है ढीली करनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आईफोन का कितना रेंज बढ़ाया गया है। एक्चुअली में अगर आप आईफोन 7 और आईफोन XR के प्रेमी हैं तो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसका जो प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, इसकी जो ड्यूटी है वो बढ़ाया नहीं गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा आईफोन में कितना ड्यूटी बढ़ा दिया गया है और उसकी प्राइस कितनी थी अब कितनी हो गई है। तो आपको हम बता दें, जैसे आईफोन 8 जो है, जो 64 GB का है, उसकी जो पहले प्राइस थी 39,900 रुपये थी, लेकिन अब उसकी प्राइस जो हो गई 40,500 हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5% की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी इसको बोलते हैं। तो ये 1.5% है, और आईफोन 8 में सबसे अधिक ड्यूटी को बढ़ाया गया है। मतलब जो कर है, जो इम्पोर्ट करने के बाद दूसरे देश से अपने देश में लाने के बाद जो कर उस पर अप्लाई करते हैं, उस कर को सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, जो कि 1.5% है। उसके बाद हम आईफोन 8 जो 128 GB का है, उसकी जो एक्सटर्नल उसके बाद जो आईफोन 8 है जो 128 GB का उसका इंटरनल मेमोरी कार्ड है, तो उसकी जो प्राइस पहले थी वो थी 44,900 रुपये, लेकिन अब उसकी प्राइस हो गई है 45,500 रुपये। इसका मतलब 1.33% का ड्यूटी कर उसके ऊपर लगा दिया गया है। उसके बाद वो आईफोन 8 प्लस की बात कर लेते हैं। आईफोन 8 प्लस की जो की 64 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड है, उसकी जो प्राइस थी 49,900 रुपये थी, अब वो 50,600 हो गया है। उस पर जो ड्यूटी है 1.4% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आईफोन 8 प्लस 128 GB जो इंटरनल मेमोरी कार्ड रखता है, मतलब उसका इंटरनल स्टोरेज है या हार्ड डिस्क आप कह लीजिए है, उसकी जो पहली प्राइस थी वो 54,900 रुपये थी, अब उसकी प्राइस 55,600 रुपये कर दी गई। इसका मतलब 1.27% इसकी प्राइस को इंक्रीमेंट कर दिया गया है। और गाइस उसके बाद बता दें कि जो आईफोन 11 प्रो है 64 GB का, 99,900 रुपये उसकी प्राइस थी, अब उसकी प्राइस 10,012 मतलब 1,012,000 रुपये हो गई है, और 1.3% का ड्यूटी उस पर बढ़ा दिया गया है। आईफोन 11 प्रो 256 GB, उसकी जो पहले की प्राइस थी वो थी 1,13,900 रुपीज, अब उसकी प्राइस हो गई 1,15,200 रुपीज। तो इसमें 1.1% की इंक्रीमेंट कर दी गई है, मतलब ड्यूटी कर 1.1% बढ़ा दिया गया है। मतलब ड्यूटी जो ड्यूटी हाइक है या इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक है उसको 1.14% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आईफोन 11 प्रो की बात कर लेंगे, जिसमें कि हार्ड डिस्क 512 GB है, तो उसकी जो पहले की प्राइस थी 1,31,900 रुपये थी, अब उसकी प्राइस 1,33,200 रुपये हो गई है, जो कि 0.98% ड्यूटी कर उस पर अप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद आईफोन 11 प्रो मैक्स की बात कर लेंगे, जो 64 GB का है, उसमें उसका जो पहले प्राइस आता था वो 1,99,100 रुपये था, मतलब कि 1,09,900 रुपीज़, लेकिन अब उसकी प्राइस 1,11,200 रुपीज़ कर दिया गया है, और 1.1% की उसमें ड्यूटी अप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB, जिसमें कि जिसका कि जो पहले की प्राइस था वो 1,23,900 रुपीज़ था, अब उसका वो जो प्राइस है 1,25,200 रुपीज़ कर दिया गया है। सो 1.04% की उसमें ड्यूटी बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें आईफोन 11 प्रो मैक्स की, जो कि 512 GB हार्ड डिस्क रखता है, उसकी जो पहले की प्राइस थी 1,41,900 रुपीज़ थी, लेकिन अब उसकी जो प्राइस है 1,43,200 रुपीज़ कर दी गई है। तो 0.91% की ड्यूटी इसमें बढ़ा दी गई। तो गाइज ये सभी जो प्राइस थे, और मतलब कि
पहले कितनी प्राइस थी, अब कितनी प्राइस है, और इस पर ड्यूटी कितना अप्लाई कर दिया गया, ये चीज़ें हम आपको बता दिए। तो अगर आप आईफोन प्रेमी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने जेब से कितने पैसे और लगाने होंगे। सो अभी के लिए तो ठीक नहीं है आईफोन लेना, क्योंकि कुछ प्राइस बढ़ गई है, और अगर आपको आईफोन लेना है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, हो सकता है बाद में चीफ हो जाए, उसका प्राइस कम हो जाए। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक।